रिडल मी दिस। एक साल पहले मैंने एक बॉन्ड खरीदा, फेस वैल्यू थी 1000 रुपए, कूपन रेट था 10%, पेड एनुअली, लाइफ थी 2 साल। एक साल आज हो चुका है, मतलब मैंने 10% यानी 100 रुपए की इंटरेस्ट इनकम कमा ली है। बट अब मुझे क्या पता चल रहा है कि नए बॉन्ड्स 8% पे इशू हो रहे हैं। ये 1000 रुपए वाला बॉन्ड अब मैं बड़े हुए प्राइस पर स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकता हूं। बट क्वेश्चन है कि कितने मैक्सिमम प्राइस पे बेच सकता हूं। अब या तो आप मार्केट से 8% वाला बॉन्ड खरीदोगे, या फिर अगर आप मेरा वाला बॉन्ड खरीदते भी हो तो आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 8% से ज्यादा रिटर्न बने। तो मेरे 10% वाले बॉन्ड की 1 साल की एज और बची है, मतलब मैच्योरिटी पर कंपनी फेस वैल्यू देगी 1000 रुपए की, इंटरेस्ट इनकम देगी 100 रुपए की। यानी आपको ये पता है कि ये वाले बॉन्ड के एंड में 1100 रुपए आने वाले हैं। अब 1100 रुपए लेने के लिए आप आज कितने पैसे दोगे कि आपका रिटर्न एटलीस्ट 8% या उससे ज्यादा बने? आंसर इज वेरी सिंपल, 1018 रुपए दोगे तो आपका 8.05% का रिटर्न बनेगा। इससे ज्यादा में ये बॉन्ड ट्रेड नहीं हो पाएगा। और अगर इसी प्राइस पे ट्रेड हुआ तो आपका YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी बनेगा 8.05% और मेरा बनेगा 11.8%, क्योंकि मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, 100 रुपए की इंटरेस्ट इनकम थी और 18 रुपए का कैपिटल गेन भी था।